अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काश्तकार भी, अब बहुत से काश्तकार भाई जो मकई की काश्त है वो ड्रिल के साथ भी करते हैं। बेड के ऊपर जो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि वो काश्त जो है ट्रैक्टर के साथ की जा रही है। अभी हम ज़िम्मेदार से भी बात करेंगे और ड्राइवर से भी बात करेंगे कि क्या फ़र्क है हाथ से बीज लगाने का और जो इसका ड्रिल से इसकी जो काश्त है उसमें क्या फ़र्क है, कैसा फ़र्क उसमें देखने को मिलता है, बीज किस तरीके में ज़्यादा है और किस तरीके में बीज कम है, कितने फासले पे बीज लगता है। ये सारी जितनी भी बातें हैं हम ड्राइवर से भी करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ज़िम्मेदार से भी करेंगे। और बीज अभी इस वक्त ड्रिल के अंदर डालना जो वो लगे हैं, दोबारा पहले ये लग चुकी है सारी, आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर सारी जितनी भी मकई है वो ड्रिल से काश्त की जा चुकी है। अभी जो मज़ीद उसके अंदर बीज जो आप लोग देखें डालने लगे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जितने भी ये छोटे मोटे सवालात हैं ये सारे हम ज़िम्मेदार से करते हैं कि किस किस्म के मसाइल जो हैं वो इसके अंदर दरपेश होते हैं। तो काश्तकार भी इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं खुश मौसफ और आप देख रहे हैं अपना किसान। अस्सलाम वालेकुम, ये हैं वो हमारे काश्तकार भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई जान। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, सब तो पहला जरा सवाल एक कि ड्रिल जी आप मकई काश्त करिए, ड्रिल नाल काश्त करन जे फायदा है या लेबर को काश्त करा मुझे फायदा है? ड्रिल नाल फायदा ये आ भाई, दिए भी खाद लगती नाल, यानी कि ड्रिल दे विच ही पै जाए, विच पै जाए, ठीक हो गया। तो लेबर को जड़ी हो छटा करनी पै दी आ, छटा करनी पै, एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा बी इन दे जे बहुता लगदा है या लेबर को बहुता लगदा है? इन दे जे बहुता लगदा है, इन दे जे बी बहुता लग जांदा है, किलो ज्यादा लगदा है, किलो बी ज्यादा लगदा है, लेबर चलो किलो बी घट लगदा है। हां जी, लेबर तो घट लगदा है। इन दे विच नागे दे किन्ने को चांस है, क्योंकि लेबर तो थोड़े बहुत नागा कर जांदी या कि तो दो भी लग जांदी, इन दे विच की तरीके कार है, किन्ने को नागे लग जांदे? नागा होवे दा उस तो अगले जाके दो हो जांदे, उस तो अगले जाके दो भी डिगन दे, हां दो डिगन दे। हां जी, अच्छा, यानी कि इन दे जे ए वादा बन जांदा है, ए वादा है बस, इस वजह तो फिर इनका बीज जो ज्यादा लग जाता है। हाँ जी, वो फिरकी ने देख देना पे जी, ठीक हो, नहीं थले गया तो अगली बारी आके चला जाना, अगली बारी चल ने जो हों खराब हाथ ना स्पीड ला दें भैया, जो लग गया तो ठीक है, जो नहीं लगा तो वो ठीक है जी, मालिक तो जाने कम जाने। अच्छा, तो एक जरा एक किन्ने फासले के आश्रम लगते भी कि इनकी पहली सैटिंग कर लेंगे कि इन्ने फासले तो इनकी लगनी? सात इंच से। ये है वो ड्राइवर भाई जो लगा रहे हैं। भाई जान, इसकी सेटिंग करते हैं कि जो जिम्मेदार कहता है कि जी मैंने इतने पे लगवानी है, 8 इंच 7 इंच, ये कभी किस कितने इंच पे लग रही है? ये 7 इंच पे लग रही है, 8 इंच भी लग जाती है। ज़्यादातर जिम्मेदार किन्ने इंच के लगवाते हैं? 7 इंच के लगवाते हैं, तो 7 इंच से सारी गल लगावे पौधे की तादाद ज़्यादा हो जाती तो उस वजह ना बी भी ज़्यादा लगेगा। पूरा एक बैग किले एक बैग पूरा एक किले च लगेगा, किला जगह पूरी लग गई, किला पूरी जगह एक बैग ना लगे दो लगने। अच्छा, जी खाद का पैप है वह सामने थले आता पे, उस बाद अगे खाद ना आए थी या किस तरीके ना आए थी? थोड़ी जी सैड से आएगी, थोड़ी जी सैड से आएगी, इन खाद जी मर्जी पा लो, थोड़ी जी सैड से आएगी, बीज खाद लावे फिर बीज खराब हो जाए, बीज खराब हो जाएगा। तो ज़्यादातर चांस कहने होंगे ने हम देखो जिम्मे आप भाई लगवाते ना खाद नहीं पाई, ज़्यादातर काश्तकार खाद पाते हैं कि नहीं पाते? तकरीबन सारे पाते, सारे ही पवाते ने इन्हें नहीं पवाई, ठीक हो गया। इस अलावा होर इन की फायदा तुम दिन के किन्ने कु किले ला जाते इन 10-15 किले एक दिन जो लाते हो, तो यानी कि कम ठीक है। और इसके अंदर जो है वो खाद डाली जाती है यहाँ पे, तो बाकी ये ट्रैक्टर से कनेक्टेड नहीं है, ये आप देख लें इसने खुद ही ज़मीन के साथ लग के घूमना है और जो बीज है वो लगता रहेगा। ये अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें, वो खुद घूमते जाएंगे, पीछे वाला रोलर घूमेगा तो अगला रोलर बड़ा घूमेगा, उसके साथ जो बीज है वो ज़मीन पे लगता जाएगा और एक मखसूस जगह के ऊपर जो जितनी सेटिंग की होती है उतनी सेटिंग के ऊपर बीज लगता है। ये देखें, यहाँ पे एक लगा है, ठीक है, और एक यहाँ पे लगा है, फिर यहाँ पे लगा है, फिर यहाँ पे लगा है।
यानी कि एक मखसूस सेटिंग की हुई है, 7 इंच पे लगवा रहे हैं, कोई काश्तकार भाई 8 इंच, कोई 7 इंच और कोई 6.5 इंच का जो फासला है वो मुंतहिद करते हैं और वहाँ पर फिर जो इसकी काश्त है वो करवाते जाते हैं। यानी कि इसका मिस होने का चांस बहुत कम है। अगर कोई दाना मिस भी हो जाए, अगर एक सुराख में एक दाना नहीं गिरा तो अगले सुराख में 2 दाने गिर जाएंगे और इसके साथ ड्रिल से काश्त की सूरत में जो बीज है वो 1 kg ज़्यादा लगता है। इसी वजह से बहुत से काश्तकार भाई इसे लगवाना भी पसंद करते हैं और बहुत से काश्तकार भाई बीज ज़्यादा लगने की वजह से इससे लगवाना पसंद भी नहीं करते। तो उम्मीद है कि आपको सारी बात की समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।